Prashant Bhushan, who in fact has met the president and is giving a reaction right now. Let's listen in. और ये इस आधार पर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आज ऐसे हालात हो गए हैं देश में कि बहुत बार पार्टियां ऐसे दागी लोगों को टिकट दे रही है कि जनता को किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता, इसलिए ये राय व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। ऐसे हालात में जब सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक ये फैसले दे रहा है जो जनता चाहती है, जो संविधान कहता है कि भाई दागी लोगों को संसद में नहीं होना चाहिए, तो ऐसे हालात में अगर सरकार और ये बड़ी बड़ी पार्टियां मिलकर ये तय करें कि नहीं हम दागी लोगों को फिर भी बैठने देंगे, बस वो अपील फाइल कर दें, अपील उनकी चलती रहे, उनको स्टे ऑर्डर मिल जाए और वो वहां बैठे रहें, ये इस तरह का अगर काम किया गया तो जनता का विश्वास संसद से और इन पार्टियों से बिल्कुल उठ जाएगा। उन्होंने सुना धैर्य से, उन्होंने धैर्य से हमारी बातें सुने लेकिन कुछ भी कमिट नहीं किया। अरविंद जी, बहुत पुरानी आप लोग नन ऑफ द अबव सर, राइट टू हियर लेकर के बहुत पुरानी आपकी मांग थी, आप लोग खुश हैं क्या ये फैसला? ये एक बहुत कॉन्क्रीट पहला कदम है। नन ऑफ द अबव बटन तो आएगा, 49O सेक्शन जो होता था उसमें लोगों को फॉर्म भरना पड़ता था, फॉर्म मिलते नहीं थे, कोई भरता नहीं था, किसी को पता नहीं था। अब वो बेसिकली नन ऑफ द अबव की शेप में आ गया। हम सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का स्वागत करते हैं और देश में राजनीति को साफ करने की दिशा में एक ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन अभी लड़ाई बाकी है क्योंकि नन ऑफ द अबव को अगर मेजोरिटी मिलती है उस बटन को, तब भी आज के परिप्रेक्ष्य में वो चुनाव कैंसिल नहीं होंगे। तो अब अगला कदम यह है कि राइट टू रिजेक्ट तब होगा, उसका सपना तब पूरा होगा जब नन ऑफ द अबव को मेजोरिटी मिलने से वहां के चुनाव कैंसिल हो और री इलेक्शन हो। उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया, उन्होंने बस ये कहा, उन्होंने हमारी बातें सुनी। जैसा हमने पहले ही कहा है कि हम इसको फिर कोर्ट में लेके जाएंगे क्योंकि ऑर्डिनेंस बिल्कुल असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस। यस, यू प्रेसिडेंट डज नॉट हैव द पावर टू रिजेक्ट द ऑर्डिनेंस, ही हैज द पावर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन।